to celebrate Qatar's National Day. Radio Olive 106.3 FM presents Qatar's first 3D radio show. Khalifa International Stadium, Al Janoub Stadium, Education City, Ahmed Bin Ali, Al Bayt, Al Thumama के बाद अब हाल ही में बनकर तैयार हो चुका है 974 Stadium. जी हाँ, आज बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी के चमकते एग्जाम्पल के बारे में, जिसका पहला नाम था रास अबू अबॉट स्टेडियम. आप शायद सोच रहे होंगे कि एक वर्ल्ड कप स्टेडियम को 974 स्टेडियम नाम क्यों दिया गया. दरअसल इसकी बहुत ही दिलचस्प वजह है. 974 स्टेडियम को बनाया गया है शिपिंग कंटेनर से, और इससे बनने में लगे कुल मिलाकर 974 शिपिंग कंटेनर्स. कमाल की बात है ना. इतना ही नहीं, 974 है कतर का नेशनल डायलिंग नंबर, तो ये भी एक वजह रही इस स्टेडियम के नाम के पीछे. वैसे 974 स्टेडियम दुनिया का पहला अजूबा है जो वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद पूरी तरह से गायब हो जाएगा. हैरान हो गए ना. दरअसल ये स्टेडियम इस तरह से बनाया गया है जिसे आसानी से डिसमेंटल किया जा सके. ये कम मटेरियल में बनने वाला सबसे कॉस्ट इफेक्टिव स्टेडियम है. चलिए अब आपको बताते हैं इस स्टेडियम के एक बेहतरीन फीचर के बारे में. शायद ये दुनिया का एक लौता ऐसा स्टेडियम होगा जिसे किसी कूलिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं. इसके इनोवेटिव डिजाइन की बदौलत इसे इस टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है. अपने वेंटिलेटेड डिजाइन और समुद्री हवाओं के बेहद करीब होने की वजह से यहाँ नेचुरल वेंटिलेशन है जो इसे ठंडा रखता है. अब क्योंकि 974 स्टेडियम किसी कूलिंग टेक्नोलॉजी का मोहताज नहीं, यही वजह है कि इससे पानी की खपत 40% कम हो जाती है. स्टेडियम का मॉड्यूलर डिजाइन उन कंटेनर से बना है जो इसके बिल्डिंग मटेरियल्स को लाने में इस्तेमाल किए गए थे. यहाँ तक कि स्टेडियम का स्ट्रक्चर भी रिसाइकल स्टील से बना हुआ है, जो 974 स्टेडियम को बनाता है सबसे सस्टेनेबल स्टेडियम. उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा. कतर की एक और हैरतअंगेज कहानी के साथ एक बार फिर मिलेंगे. To celebrate Qatar's National Day, Radio Olive 106.3 FM presents Qatar's first 3D radio show.